नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। स्थानीय कोतवाली परिसर में गुरुवार को आगामी पर्व सब्बे बरात रंगों का पर्व होली को लेकर नवागत उपजिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह के अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में CO आशीष मिश्रा ने दोनों समुदाय के लोगों से अपने अपने त्योहारों के मनाए जाने को लेकर जानकारी ली गई, जिस पर नंदलाल अग्रहरि कन्हैया लाल अग्रहरि ने होली त्योहार के आयोजन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि 6 मार्च रात्रि 12 बजे के बाद होली का दहन किया जाएगा। 7 मार्च को संकट मोचन मंदिर पर फाग उत्सव का कार्यक्रम होगा। वहीं 8 मार्च को रंग का त्यौहार होली मनाई जाएगी। वहीं मुस्लिम पक्ष के सैफुल्लाह उर्फ लाला बाबू एडवोकेट ने अधिकारियों को बताया कि मुस्लिमों का सब्बे बरात का पर्व 7 मार्च को मनाया जाएगा, जिसमें शाम ऐशा के नमाज के बाद मस्जिद प्रांगण में तकरीर का कार्यक्रम आयोजन होगा। फर्ज की नमाज के बाद लोग सुबह कब्रिस्तान जाकर फातिमा पढ़कर अपने घरों को वापस होंगे। यह कार्यक्रम सुबह 7 बजे तक संपन्न हो जाएगा। इसके अलावा बिडर प्रधान राम सुरेश तेड़ा, प्रधान प्रतिनिधि सूरज यादव, निमिया डिहा के उदय गुप्ता ने भी अपने यहां आयोजन को लेकर जानकारी दी। सुरेंद्र गुप्ता ने होली त्योहार में साफ सफाई व बिजली व्यवस्था को सुचारू रखने की मांग उठाई। डॉक्टर लवकुश ने कहा, होली में रैश ड्राइविंग के कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं, ऐसे में हम सबको मानवता दिखाते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाना है। CO आशीष मिश्रा ने कहा कि त्यौहार को हर्ष उल्लास से मनाएं, रंगों के त्यौहार में नशे के प्रयोग से बचें और विशेषकर युवा को इसको गंभीरता से ले, कहीं भी कोई भी ऐसा हुड़दंग ना करे कि लेने के देने पड़ जाए, जिससे त्योहार में कोई खलल ना हो। उपजिलाधिकारी श्याम प्रताप सिंह ने कहा कि दोनों समुदाय के लोग अपने अपने त्योहारों को सौहार्द से मनाए, होली में विशेषकर नशा के सेवन से बचे, वहीं DJ की ध्वनि भी मानक से तेज ना रखे, जिससे अन्य लोगों को परेशानी हो। बाकी प्रशासन ने अपने तरफ से तैयारी कर ली है। त्योहार में उपद्रव करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगी। उन्होंने नगर EO भारत सिंह को सुचारू रूप से जलापूर्ति के निर्देश दिए। वहीं बिजली विभाग से SDO तीर्थराज को विद्युत व्यवस्था माकूल रखने की तकदीद की विद्युत व्यवस्था माकूल रखने की ताकीद की। इस मौके पर जितेंद्र श्रीवास्तव, कुलभूषण पांडे, संदीप गुप्ता, दिलीप पांडे, राफे खान, इब्राहिम खान ने संख्या में तमाम गांव के ग्राम प्रधान मौजूद रहे। दुद्धी कोतवाली पर्सनल पीस कमेटी की बैठक होली त्यौहार को ली गई, क्या गाइडलाइन बताया गया, कैसे होली मनेगा? इसमें जो है दुद्धी नगर का जो होली का कार्यक्रम है वह 6 तारीख को अर्धरात्रि में 12:30 पे जो है होलिका दहन किया जाएगा। उसके पश्चात 7 तारीख को जो है फाग का एक कार्यक्रम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वह प्रतियोगिता होगा। 8 को जो है धूल उड़ाया जाएगा और होली सकुशल संपन्न मनाया जाएगा। जो दुद्धी के आसपास क्षेत्रीय गांव हैं उनमें भी क्या इन्हीं तरीके से मनाया जाए, कुछ अलग है? वह दुद्धी के ही गाइडलाइन पे सारे लोग चलते हैं। थोड़ी सी आपस में विवाद हो गई है इस साल 6 और 7 को लेकर के, लेकिन इसमें अभी एक दृष्टिकोण से यह बन रहा है कि हम लोग भी जो है दुद्धी के तरह ही जो है 6:30-12 बजे जो है होली का दहन करेंगे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 TV न्यूज को सब्सक्राइब करें।